हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक इजी विद साक्षी। आज मैं आपको सिखाऊंगी इवनिंग स्नैक रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड कटलेट। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैं चाहिए 1.5 चम्मच नमक, अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, साथ ही साथ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। 4 बॉइल्ड आलू लिए हैं जिनको मैंने मैश कर लिया है, 2 कटी हुई प्याज, 7 स्लाइस ब्रेड के, साथ ही साथ 1 कटोरी सूजी, और लास्ट में हमें कटलेट फ्राई करने के लिए चाहिए तेल। बोल में सबसे पहले डालेंगे मैश किए हुए पोटैटोस, चाट मसाला, पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और लास्ट में सॉल्ट। डालेंगे प्याज और अब एक ब्रेड का स्लाइस लिया है मैंने, साइड से कॉर्नर कट नहीं किए हैं, आप चाहें तो कॉर्नर कट भी कर सकते हैं। उसको मैं ऐसे डिप करूंगी पानी के अंदर, इसका सारा का सारा अच्छे से दबा के हम पानी निकाल देंगे और उसको डालेंगे इस मिक्सचर के अंदर। इसी तरीके से बची हुई ब्रेड भी कर लूंगी और आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मिक्सचर अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और अब हाथ पे लगाएंगे कुछ ड्रॉप्स रिफाइंड की। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं, हाथ पे मैंने रिफाइंड ऑयल भी लगा लिया है और अच्छे से ग्रीस करेंगे हाथों को। और अब एक पोर्शन उठाएंगे, उसको इस तरीके से थोड़ा गोल गोल करेंगे और आप ये कुकिंग कटर लेंगे और उसके अंदर इस मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से सब कुछ मैंने इक्वल कर दिया है और अब इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरीके से रख देंगे। और सेकंड ब्रेड कटलेट हम बनाएंगे हार्ट शेप में, इसी तरीके से सारे मिक्सचर को हम इसके अंदर लगाएंगे। अब इस तरीके से मैंने इक्वल कर लिया है और आप इसको उल्टा करेंगे और इसको भी हल्का प्रेस करते हुए हम प्लेट में कर देंगे। देखिए हार्ट शेप भी रेडी है, आप चाहें तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह से बचे हुए ब्रेड कटलेट भी मैं रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने 2 हार्ट शेप में और बचे हुए ब्रेड कटलेट स्टार शेप में बना दिए हैं और अब इनको उठाएंगे और इसको सूजी में हम इस तरीके से रोल करेंगे। सूजी में कटलेट रोल करने से जो कटलेट होते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं अच्छे से सारी साइड से। इसी तरीके से पूरा बैच रेडी कर लेंगे। पूरा बैच मैंने रेडी कर लिया है और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, सिम गैस पे ही करेंगे दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक। दोनों साइड से ब्रेड कटलेट अच्छे से फ्राई हो गए हैं गोल्डन, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और कलर चेंज हो गया है। और अब इसको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेते हैं। फाइनली ब्रेड कटलेट इज रेडी टू सर्व। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ मेरी और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल कुक इजी विद साक्षी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, फीडबैक, सजेशन और स्पेशल रिक्वेस्ट भी हमारे साथ शेयर कीजिए। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।